तो देख सकते हैं, ये हमारे पास है बजाज का पेंटा एयर कूल पेडिस्टल फैन, जिसका आप स्टैंड फैन भी बोल सकते हैं, जिसको अनबॉक्स करके बताते हैं, इसको फिटिंग करके बताते हैं कि कैसे फैन की वो फिटिंग किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी पेडिस्टल फैन है एंड अगर आप नया परचेज किया तो उसको कैसे फिट करते हैं तो वो भी इसमें बताएंगे, ऐसी कितनी प्राइस है वो भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोल के इसको फटाफट से फिटिंग करके बताते हैं आपको कि कैसे इसको फिटिंग किया जाता है। चलिए सभी को बाहर निकाल देते हैं, जो भी इसके साथ मिलता है अटैचमेंट। एंड पैकेजिंग इसकी बहुत ही शानदार है और ये हाई स्पीड फैन है, 5 ब्लेड का फैन है। नॉर्मली कोई भी ब्रांड में आपको 3 ब्लेड का फैन मिलेगा, इसमें 5 ब्लेड है। एंड जो हवा आने वाली है वो भी बहुत ही शानदार स्कूल हवा आने वाली है, बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, हमने सभी को जो है सेपरेट कर लिया है। एंड सबसे पहले जो बॉटम का वो फिटिंग करके बताएंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक सिंपली स्क्रू ड्राइवर की, जो कि स्टार या फ्लैट कोई भी हो सकते हैं। तो मेरे पास है छोटा सा टेस्टर, तो इसकी मदद से भी आप उनको फिटिंग करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ से जो स्क्रू है 4 इसको खोल लेना है। तो फटाफट से ये जो स्क्रू है हम खोल लेते हैं एंड ये डंडा इसके ऊपर फिटिंग करेंगे। तो वही देख सकते हैं, हमने जो है इसको स्क्रू खोल दिया है। अब ये यहाँ पे रखते हैं स्क्रू को, यहाँ पे इसको फिटिंग करते हैं। अब ये यहाँ से परफेक्ट फिट हो चुका है। एंड अब यहाँ से देख सकते हैं कैप है, इसको ऊपर की तरफ से खोल के हम इस कैप को इस तरह से डाल देना है, ये लुक के लिए, ताकि स्क्रू वगैरह नीचे ना दिखे। ये वापस थोड़ा टाइट कर लेंगे, उसके बाद में ये हमारा हो गया फिटिंग। एंड अब करते हैं मोटर को फिटिंग, जो कि मोटर के ऊपर जो ब्लेड वगैरह लगती है वो वाला फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है टर्न करेंगे क्लॉकवाइज एंड इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे खोलने के लिए। इसके लिए ब्लेड को रखते हैं सेपरेट एंड हमारे को 2 ग्रेड मिलेंगे, एक में मिलेगा ऑल वाइज, एक में मिलेगा इस तरह का बजाज का नेम लिखा हुआ। तो इसको सबसे लास्ट में डालना है, सबसे पहले हम इस तरह का डालेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपली जो है ग्रू मिलेंगे स्क्रू टाइप, कि कहाँ पे ये जो है फिटिंग करना है, उसके हिसाब से ही हम फिटिंग करेंगे। एंड ये परफेक्ट तरीके से जो फिट होगा, ये वाला जो ग्रिल होता है हैंडल, ये ऊपर की तरफ रखना है हमारे को। तो चलिए हमारे को पॉइंट मिल गया एकदम परफेक्ट, ये हो गया है। एंड अब इसको करते हैं टाइट, तो क्लॉक वाइज इसको टाइट कर लेना है। एंड बहुत ही मजबूत जो है लॉक दिया, पहले छोटा था अभी बढ़ा दे दिया है। उसके बाद में फैन को फिट कर लेना, जो कि ब्लेड करते हैं उनको। एंड ब्लेड को फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली पतला सा जो है वायर टाइप दिया, इसको लॉक होता है। तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये लॉक हो गया है। एंड लॉक होने के बाद हम इसको जो है नॉब को टाइट लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा ब्लेड टाइट। ब्लेड टाइट होने के बाद हमको ये लगाना है, तो ये ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसको के लिए हम देख सकते हैं ये वाला जो है लॉक जो होता है इसको फिटिंग करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे इस तरह से, इसमें फिटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देंगे। आपके पास टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर है, उसकी मदद से आप खोल सकते हैं, साइड फ्लैट हो साइड स्टार हो, लेकिन इसमें आपको स्टार की जरूरत पड़ेगी,
लेकिन आप छोटा सा टेस्टर की मदद से भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है मुँह वापस लॉक करेंगे, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला लॉक जो प्रेशर हो गया है, प्रोसेस हमारा ये। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा टाइट करना है ताकि ये नीचे ना गिरे। उसके बाद में जो ये नाम है, अगर आपके पास क्रॉम्पटन है, बजाज है, कौन सा भी ब्रांड है, तो ये सीधा स्ट्रेट की तरफ रखना है, सीधा आपको दिखे, तो इस तरह से ताकि प्रोफेशनल तरीके से लुक आए फैन का एंड और भी आप मजे तरीके से खा सकें। उसके बाद में वापस स्क्रू को कर देना है टाइट। तो देख सकते हैं ये हमारा हो गया टाइट। उसके बाद में हमारे को क्या, कोई कोई ब्रांड में ये वाला पार्ट मिलता है, किसी के ब्रांड में नहीं मिलता। तो ये फिटिंग करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हॉल दिया ऊपर की तरफ, इसमें टाइट करना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा है कैसे लॉक किया जाता है, तो ये क्लॉक वाइज लॉक किया जाता है एंड थोड़ा हम 6 से 7 बार रन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये काम करता है रोटेटिंग के लिए। अगर आपको एक ही जगह स्टेबल करना है तो स्टेबल भी कर सकते हैं, रोटेटिंग का ऑप्शन करना है तो रोटेटिंग भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं। एंड अब करते हैं फाइनली हम स्टैंड के ऊपर इसको लॉक। तो स्टैंड के ऊपर लॉक करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर देख सकते हैं एकदम फ्लैट सर्फेस है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा लॉक कर देते हैं ताकि ये डंडी अंदर ना जाए एंड इसको इसके अंदर घुसा देंगे। घुसाने के बाद आप देख सकते हैं पीछे की तरफ एक नट है, किसी ब्रांड में आपको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ेगा, तो इसमें हम इस तरह से टाइट करेंगे। जैसे टाइट करेंगे उसके बाद हम जैसे खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो चुका है। एंड अब जब भी इसको हाइट करना है तो आप इसको इस तरह से रोटेट करके इसका हाइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो हम इतना हाइट रखेंगे एंड इसको कर देंगे लॉक। तो देख सकते हैं हमारा फैन रेडी है। एक बार इसका फुल व्यू आपको बताते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा फैन जो है परफेक्ट तरीके से जो है फिटिंग हो चुका है एंड इसको हाइट ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं। तो एक बार ऊपर नीचे भी करके आप तो देख सकते हैं ये हमारा फैन। अब यहाँ पे एक नट्स है, इसको हम लूज करके इसका ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं ऑन। तो देख सकते हैं मस्त अभी हम हवा खा सकते हैं एंड ये टर्निंग पोजीशन में 5 ब्लेड से तो काफ़ी शानदार इसमें जो है हवा आ रही है, आपको दिख रहा होगा एंड काफ़ी जो है इसका हवा का मजा उन्हें उठाने वाले ले रहे हैं। इसमें 3 स्पीड मिलती है, लो, मीडियम एंड हाई। एंड नीचे की तरफ आपको पॉप का बटन मिलेगा एंड अगर आपको एक ही जगह स्टेबल करना है तो पीछे की तरफ से डंडी को खींच लीजिए, खींचने के बाद एक ही जगह आपको हवा देगा। आप डाउन ऊपर वगैरह आप कर सकते हैं इस तरह से डाउन एंड इस तरह से अप करके साइड में जस्ट टर्न कर दीजिए। तो इस तरह का ये फैन है एंड काफ़ी शानदार ये मुझे फैन लगा। तो इसकी हाई स्पीड कर लेते हैं, 3 स्पीड में ये वाल वर्क कर रहा है एंड आप इसको देख सकते हैं काफ़ी जो है शानदार हवा हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, फुल एरिया में ऑलमोस्ट कवर करता है ये। तो ये है कुछ इस तरह का फैन। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जी सब्सक्राइब एंड इसका प्राइस है 2000 के आसपास मिल जाएगा। इसका बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।